हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी ड्राई मिक्स वेज करी। आपने पार्टियों में या होटलों में इस तरह के ड्राई मिक्स वेज करी जरूर खाए होंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और अभी ठंडी का मौसम है तो आपको कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और इस सीज़न में इस सब्जी को बनाने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज इस सब्जी को हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ड्राई मिक्स वेज करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को धोकर अच्छे से कट कर लिया है। तो मिक्स वेज में मैंने 2 आलू, बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर लिया है और थोड़े से फ्रेश मटर और स्वीट कॉर्न लिया है। तो अभी हम इन सारी सब्जियों को एक गंजी में या जो भी बर्तन जिसमें आप उबाल सकते हैं उसमें डाल लेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह के ओपन गंजी में डालकर पका रही हूँ। अगर हम इसको कुकर में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी मैं इन सब्जियों को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पका लूँगी, जिससे जो पानी है वो भी सूख जाएगा और हमारी सब्जियाँ हैं वो भी पक जाएगी। और यहाँ पर हमारी जो सब्जियाँ हैं वो उबल कर रेडी हो चुका है, तो हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिए हैं। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अभी हम इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें से कच्चा स्मेल ना चला जाए। गैस का फ्लेम हम लो में ही रखेंगे। और अभी यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून चुका है, तो हमने जो सब्जी बॉईल करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। और यहाँ पर मैंने एक मसाला मैजिक लिया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और अभी हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी लो में करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच और नमक। नमक हमने सब्जी उबालने के टाइम में भी डाले थे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर और डालेंगे। और अभी नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरह से अगर हम सब्जी को पहले ही उबाल लेते हैं तो उसका कलर भी बहुत बढ़िया रहता है और पकने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर आप इसको फ्राई करने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी ड्राई मिक्स वेज करी जो है बनकर तैयार है। और अभी आप इस टेस्टी सब्जी को गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।